बेग साहब, आपके ख्याल में इमरान खान की मुश्किलात जो हैं वो कम होने जा रही हैं, या आप समझते हैं कि फरवरी 2024 से पहले मुश्किलात मजीद बढ़ने जा रही हैं? लेकिन दादा रियासत कह रहे थे कि कौम के बड़ों ने ये फैसला कर लिया है कि इलेक्शन कब होने हैं, तो कौम के बड़े तो पहले ये फैसला कर चुके थे। इलेक्शन में तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं सबको बराबर के मौके मिले, या जो सियासतदान जेल में हैं उनको भी बाहर निकालकर और आजादी से इलेक्शन कैंपेन चलाने दी जाए, ये भी लेवल प्लेइंग फील्ड है। अपने कोई चीज इस मुल्क में सेट करनी है और जो करने वाले हैं, जो प्लेइंग फील्ड देने वाले हैं। बात यह है कि जिसने जो काम किया है उसका खमियासा उसको भुगतना पड़ेगा। और मैं लेकिन आप तो ये भुगतने के लिए तैयार नहीं है। जरदारी साहब कहते हैं कि मैंने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया, वो डिलीवर नहीं कर सका, तो अगर काम नहीं हो सका तो वो खमियाजा आप क्यों नहीं भुगतते? आपकी भी तो नाकामी है ना सर। आप कैसे 16 माह हुकूमत में रहे, कैसे बच के निकल सकते हैं आप उनसे? करते हैं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इंतखाबात का ऐलान तो हो गया मगर अब नून लीग को छोड़कर तमाम पीडीएम की जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रो रही हैं, जबकि नून लीग को मुकम्मल सहूलतकारी मिल रही है। क्या इमरान खान ऐसे हालात में इलेक्शन लड़ पाएंगे? क्या पीटीआई को इलेक्शन लड़ने और जलसा करने की इजाज़त मिलेगी? इस पर आज एक लाइव शो में सीनियर तजियाकार आमिर ज़िया और मोहसिन बेग ने खतरनाक तजिये पेश किए। आए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। जैसे आप उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने बहुत पहले ये कह दिया था कि इलेक्शन कब होंगे या इलेक्शन की तारीख के हवाले से बता दिया था, और गुज़िश्ता माह आप लंदन में थे तो उस वक्त आपने कहा कि जो इलेक्शन है वो 10 से 15 फरवरी तक होंगे, तो इस इंफॉर्मेशन की कोई खास सोर्स थी या फिर आपके अंदाजे थे? नहीं पारस, ऐसा नहीं है। सोर्स तो नेचुरली कोई भी जर्नलिस्ट होगा उसका सोर्स तो होता ही है। चले वो आम हो या खास हो, सोर्स तो सोर्स ही है। लेकिन बेसिकली जो नई हलका बंदियों के बाद जो भी प्रोसेस था इलेक्शन कमीशन का, वो इन्हीं डेट्स में आके फाइनल होता है। तो प्लस माइनस पता था, राजा रियाज साहब को पता था, तो यकीनन फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को भी पता होगा, तो क्या इसी तारीख को मद्देनजर रखते हुए वो पाकिस्तान आए? सर देखिए, उनकी कैलकुलेशन अपनी जगह, वो मेरे ख्याल में आए यही सोच के हैं और उनको कंफर्म भी यही था कि तब तक इलेक्शन होंगे और उनके पास 3-4 माह का वक्त है, वो शायद अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज करें या जो भी इलेक्शन के लिए तैयारी है उस हिसाब को सोच के। पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को के बारे में, इस तारीख के बारे में इल्म क्यों नहीं हो सका? ये तो इतने लंबे अरसे से इलेक्शन की तारीख ही मांगते रहे। नहीं देखिए, बड़ी कॉमन सेंस है, जब आपने नई हल्का बंदियाँ CCI में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में पास की तो उसके बाद एक प्रोसीजर है जिसको तकरीबन 3 माह लगते हैं, तो उसके बाद आपको 60 डेज चाहिए। हाँ। तो प्लस माइनस यही डेट बनती है। हल्का बंदियों को भी आप देखें तो 4 फरवरी बनती है, लेकिन एग्जैक्ट डेट बताना ये तो फिर नहीं। देखिए, मैं आपके शो में ही शायद कह रहा था, मैंने कहा अगर ये हल्का बंदी नई पे नहीं जाते, सॉरी सेंसिस नए सेंसिस अप्रूव नहीं करते तो पुराने पे इलेक्शन होता तो अब तक इलेक्शन होने वाला होता। दादा रियासत कह रहे थे कि कौम के बड़ों ने ये फैसला कर लिया है कि इलेक्शन कब होने हैं, तो कौम के बड़े तो पहले ये फैसला कर चुके थे। तो अगर तय था ये सब तो फिर इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद ही इसका क्यों ऐलान करना पड़ा? कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी थी ना। बिल्कुल ऐसा ही है, वो सुप्रीम कोर्ट का फर्ज तो नहीं। उन्होंने 11 फरवरी की डेट रखी थी लेकिन वो शायद थोड़ा लेट हुए अनाउंसमेंट में और चीफ जस्टिस साहब ने इसको टेक ऑन कर लिया, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के पास गए। तो डेट 11 फरवरी थी, प्रेसिडेंट साहब ने अपना एक दिखाया कि मैं भी हूँ और उसने 3 दिन पीछे कर दिए। हालांकि वीकेंड पे इलेक्शंस जो है वो सबको सूट करता है जी। बहुत से लोग होते हैं, आपको छुट्टी देने की जरूरत नहीं है, लोग वर्किंग होते हैं तो संडे का दिन। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा ना कि 8 तारीख को जो जुमेरात का दिन है तो बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो जाएगी, वो छुट्टी इंजॉय कर लेंगे। लेकिन सर इस बारे में आपको लगता है कि सदर आरिफ अलवी को भी इल्म था? चूंकि आप तो खैर कोर्ट ने कह दिया ना कि आर्टिकल 48(5) के तहत वही इलेक्शन की डेट उन्हीं को अख्तियार है अनाउंस करने का, लेकिन उनको इल्म था और उन्होंने क्यों नहीं डेट अनाउंस की? किसी के प्रेशर में आ गए थे? देखिए, आरिफ अलवी साहब सिर्फ सजेशन दे सकते हैं, डेट अनाउंस वो खुद से नहीं कर सकते। सर शोर इस चीज पर डाला जा रहा है, वो कह रहे हैं नून लीग को जो है वो सहूलत दी जा रही है। देखिए, पहले 2018 में किसको सहूलत दी जा रही थी? सबको अंदर कर दिया, सबको पीछे किया, लोगों पे केसेस बने, लोगों को बहुत से लोगों को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। मकसद ये है कि जो थर्ड वर्ल्ड है ना, वो ऐसा नहीं है कि एप्पल का कंप्यूटर आप पाकिस्तान में नहीं है या आपकी ग्रोसरी जो अमेरिका में मिलती है वो नहीं, हमारे रवैयों की वजह से हमारे रवैये ऐसे हैं जो हमें पीछे खींच के जाते हैं और आज भी कोई लोग चेंज होना नहीं चाहते, लोग अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं। प्लेइंग फील्ड का सवाल बड़ा अहम है, बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि इस वक्त तमाम जमाते लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो ना मिलने का शिकवा कर रही है, और अब तो नून लीग भी ये कह रही है कि माजी में उनको भी कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली है, बिलावल भुट्टो भी ये कह रहे हैं, पीटीआई भी ये कह रही है, तो आमिर जैसा ये फील्ड कहां चली गई है? अरे पहली बात कि नून लीग को मिलती रही है, ये भी हुआ कि उसको बाद अवकात नहीं मिली लेवल प्लेइंग फील्ड, लेकिन बाद अवकात तो लॉप साइडेड फील्ड मिली कि जिसमें कहते हैं मैदान उनके हक में। 2013 में भी मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। नहीं, मैं तो पूरी उसकी बात करूँ ना, तारीख में अगर आप देखें जितने इलेक्शन हुए जब से नून लीग है तो उनके हक में भी तो वो चीजें उस्तवार की गई ना 2013 के अंदर, मतलब एक उन पांच उन्होंने 5 बरस उनकी पार्टी ने हुकूमत की, तो ऐसी कोई इतना बड़ा जुर्म ज्यादा नहीं उन्हीं के, शायद फाकान बासी साहब जो थे उन्हीं की पार्टी से ताल्लुक रखते थे, वही लोग जो थे कैबिनेट के अंदर थे, तो इतनी बड़ी बात नहीं हुई कि एक शख्स अगर हट जाता है तो कोई और उसकी जगह आ जाता है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड आपको बड़ा बुनियादी सवाल कहां जाती है, तो ये सियासतदानों से पूछें कि कहां गुम कर देते हैं।
आसान डेफिनेशन क्या है, मतलब चलिए ये भी बता दें, मौसम साहब कह रहे हैं कि तो देनी किसने है, और इसकी आसान डेफिनेशन क्या है कि इलेक्शन में तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं सबको बराबर के मौके मिले, या जो सियासतदान जेल में हैं उनको भी बाहर निकालकर और आजादी से इलेक्शन कैंपेन चलाने दी जाए, ये भी लेवल प्लेइंग फील्ड है। देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड की बड़ी आसान सी तशरीह है कि तमाम सियासी जमातों को आईन और कानून के मुताबिक इंतखाबात में हिस्सा लेने की आजादी हो, और उसमें मतलब सिर्फ ये नहीं हो कि इंतखाबात की तारीख आ गई, उनको कैंपेन करने की इजाजत हो, उनके कारकुनों को बाहर निकल के काम करने की इजाजत हो, तो बाद अगर नहीं दे होता तो हम बिला वजह अगले इंतखाबात को गैर मुतनाजा कर देंगे। किससे ये लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं? वैसे हैदर जमान साहब इस पे बात करें क्योंकि वो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। आमिर साहब ये बता दीजिए सर कि आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई का इत्तेहाद हो सकता है सर इस वक्त में? एक जैसे बयान दे रहे हैं, एक जैसे ख्याल लग रहे हैं इस वक्त इनके। मेरे ख्याल में इस मुल्क में कुछ है और बिल्कुल हो सकता है, चीज के इम्कान है, लेकिन इमरान खान को रिजर्वेशन होंगी क्योंकि वो अपनी सियासत की उनको लगेगा मैं नफी कर रहा हूँ, लेकिन बाद अवत हालात ऐसे होते हैं कि अगर आप कर लेते हैं इंतखाबी तात तो नहीं, अगर किसी लेवल पे समझौता कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, तो उसका फायदा होता है कि आप जिस कॉर्नर में फंसे हुए हैं उससे निकलने में मदद मिलती है। पीपल्स पार्टी ने जयालक के दौर में बिल्कुल ये किया था कि एमआरटी बनाई थी और अपने गिर्द इतने सारे लोगों को जमा कर लिया था कि पिटने में अकेले नहीं थे बल्कि और भी उनके साथ लोग थे। जी हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत की बात करती है, आइन की बात करती है, और बिलावल भुट्टो ने तो जो इलेक्शन का है उसकी भी सबको मुबारकबाद दे दी है, तो ये जो आर्टिकल 224 की खिलाफवर्जी हुई है इस पर किसी की जिम्मेदारी का तायुन क्यों नहीं हो सकता, या आप समझते हैं कि अब इलेक्शन की तारीख आ गई है बस ये काफी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फारस, और बहुत सहर हासिल गुफ्तगु हो रही है, और बेग साहब ने और आमिर ज़िया साहब ने बहुत अहम नुक्ते उठाए, और यकीनन लेवल प्लेइंग फील्ड को मैं भी डिस्क्राइब करना चाहूंगा, बट आई विल फर्स्ट कम टू योर क्वेश्चन। देखिए आर्टिकल 224 जहाँ पे है उसी आइन में एक आर्टिकल 254 भी है जो कहता है कि अगर आइन में एक चीज लिखी गई है और एक खास वक्त में नहीं हुई तो वो महज इस वजह से इलीगल एंड एब इनिशियो अवॉइड नहीं हो जाएगी, वो कंडोन हो सकती है। और पार्टी किससे लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है, और आपको क्यों लेवल प्लेइंग फील्ड ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं मिल रही है? क्या सिंध में जो कुछ ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स हुई हैं आपकी मर्जी के खिलाफ उसकी वो वजह तो नहीं है, और आप समझते हैं कि पंजाब में नून लीग को ऐसी कोई शिकायत नहीं है? नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं क्योंकि कुछ लोगों की और उनकी बुनियादी बात है उनकी हरकत, और उन्होंने इस मुल्क में जो नेशनल सिक्योरिटी ऐसी इश्यूज खड़े कर दिए, जो 9 मई का वाकया हुआ, जिस अंदाज से पाकिस्तान की स्टेट को अंदर से खोखला करने की कोशिशें की गई, दुनिया में आपके साथ जो नुकसान हुआ वो अपनी जगह है, और उसका कॉन्सिक्वेंस आखिर किसी को तो उसकी जिम्मेवारी लेनी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हमेशा ये समझती है कि एक इंक्लूसिव इलेक्शन होना चाहिए, एक्सक्लूसिव नहीं होना चाहिए। बात यह है कि जिसने जो काम किया है उसका खमियासा उसको भुगतना पड़ेगा, और मैं आप तो ये भुगतने के लिए तैयार नहीं है। जरदारी साहब कहते हैं कि मैंने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया वो डिलीवर नहीं कर सका, तो अगर काम नहीं हो सका तो वो खमियाजा आप क्यों नहीं भुगतते? आपकी भी तो नाकामी है ना सर, आप कैसे 16 माह हुकूमत में रहे, कैसे बच के निकल सकते हैं आप उनसे? नहीं हम बच के निकलने की बात नहीं करते, जो की डिसीजंस थे वो यकीनन अब दो फाइनेंस मिनिस्टर चेंज कर देने, 4 महीने शहबाज शरीफ साहब यही सोचते रहे कि मैंने असेंबली तोड़नी है, हुकूमत करनी है। सर आप अकेले सकते हैं, इत्तेहाद में जो जमातें थी हैदरमान साहब उन सबका ये मशरूत फैसला होगा ना कि शहबाज शरीफ वजीर आजम बने, और पीपल्स पार्टी को कभी एहसास हुआ कि भाई ये तो डिलीवरी नहीं कर रहे? ये एहसास तो बहुत 6-8 माह के बाद हो गया, और जब उन्होंने मिफ्ता इस्माइल साहब को चेंज किया और डार साहब को लाए, हमने तभी रेज किया, हमने बहुत सारे और इश्यूज के ऊपर भी स्टैंड लिया। आज जो हम बात करते हैं, नहीं आपको 6 लाख हुआ आपने कहा, और बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमें कराची में शहबाज स्पीड की जरूरत है, उन्होंने शहबाज शरीफ के कामों को सराहा, और जरदारी साहब कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ डिलीवर नहीं कर सके, किस पे यकीन करें हम? उन्होंने उस वक्त ये बात इसलिए की कि हम ये एक्सपेक्ट करते थे कि जो उनका एक स्टैचर बनाया गया है पंजाब स्पीड का तो वो काम करेंगे, लेकिन आपने देख लिया कि व्हाट हैपेंड एट द एंड ऑफ द टर्म। बट मैं आपके सवाल को आंसर करने की कोशिश मैं जरूर करूंगा। बेग साहब आपके ख्याल में इमरान खान की मुश्किल जो है वो कम होने जा रही है, या आप समझते हैं कि फरवरी 2024 से पहले मुश्किल मजीद बढ़ने जा रही है? देखिए मेरा ओपिनियन शायद बायस लगेगा, लेकिन मसला यह कि जो वो दुनिया को जिस हवालों से पुकार रहे थे वो सारे इल्ज़ामात उन पे हैं, और वो इल्ज़ामात के तहत उनको सज़ा भी हुई है, और इसमें भी कोई शक नहीं कि उन्होंने या उनके अहले खाना ने उनकी मिसिज़ ने माल नहीं कमाया, या उनके यहाँ जो फ्रंट वुमेन, मतलब हमने हमेशा फ्रंट मैन देखा था लेकिन फ्रंट वुमेन पहली दफ़ा आई और माल कमा के चली गई, वो अपने क्राइम की वजह से हैं। अगर वो कोर्ट से बरी हो जाते हैं या कोर्ट में अपना डिफेंस कर लेते हैं तो इसमें तो कोई इतराज नहीं है। कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से साइफर केस में जमानत उन्हें मिल सकती है, हाई कोर्ट से तो खास जमानत मुस्तरद हो गई, अब सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया। देखिए मेरा ख्याल है इस केस में शायद उनको जमानत नहीं मिलेगी, ये बड़ा सीरियस केस है, और ये केस जो है जहां तक पब्लिक आई में देखा जाए, जैसे उन्होंने साइफर को लहराया, जैसे उन्होंने उसको यूज किया, इंटरनेशनल लेवल पे एक थ्रिल कायम कर दी कि अमेरिका मुझे निकालना चाहता है। आप बंदा पूछे कि आप कौन है भाई कि अमेरिका आपको निकालना चाहता है और अमेरिका आपके खिलाफ साजिश करेगा, वो क्या है साजिश? तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है ना, पूरी दुनिया में होता है। वो कह रहे हैं साइफर के मतलब पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा, उनके वकील कह रहे हैं ये पूछा जाता है हर दफा से साइफर गुम कैसे हो गया। केस तो यही है, केस तो यही है कि आपने एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट को पब्लिक करके और फिर वो वॉशिंगटन पोस्ट में छप गया, वो कैसे गया, वो किसने भेजा, सजा हो सकती है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में तो इनके पास डिफेंस ही नहीं है।
ये लहरा चुके बता चुके ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तो बड़ी सख्त सजाएं हैं, तो क्या ख्याल है अंदाजन इससे सख्त सकती है? देखिए इससे सख्त सजाएं इन्होंने लोगों पे हिरवन डाल के एफिड्रीन केस डाल के लोगों पे झूठे मुकदमे नैप में बनवा के उनको फंसाई रखा 8-8 महीने 9-9 महीने 11-11 माह एक बंदा 37 माह जेल में रहा। तो मकसद ये है कि जो करोगे वो भरोगे। अभी क्या हो गया, सब्र करो ना, आपके साथ तो कुछ नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं ये चीखे मार रहे हैं, ज़ियाउल्लाह दौर में पीपल्स पार्टी को कोड़े लगे, टिक टिक पे लटकाया गया, लोगों को मार मार के वो लाल किला अटक किला कहां से मैं शुरू हुआ। मैं तो उस वक्त स्टूडेंट था और मैं एक न्यूज़पेपर में काम करता था, तो हम रिपोर्ट करते थे लोगों की हालत क्या थी। इनके साथ क्या हुआ है, आधे तो होलसेल में भाग गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। मुझे आपकी बात लग रहा है कि इनकी मुश्किलात कम नहीं होंगी, लेकिन क्या मियां नवाज शरीफ की मुश्किलात जो हैं आप समझते हैं वो खत्म हो चुकी हैं या वो अभी बाकी हैं? नहीं, उनकी मुश्किलात तो होगी खत्म, 4.5 साल इलेक्शन कैसे लड़ेंगे सर? अभी तक अपीलें जो हैं वो समाप्त के लिए मुख्तस नहीं हुई हैं और अगले माह से नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने, तो कैसे कराएंगे मियां साहब? लड़ेंगे लड़ेंगे इलेक्शन ठीक हो जाएगा, तय सब कुछ देखिए तय या नहीं है हमारे मुल्क में। मैं तो हैरान हूं आप सवाल क्यों करते हैं, ऐसे ही होता है। वो निकल के कैसे लंदन चले गए थे सर? कोई आम कैदी निकल के जा सकता है? मुझे बताएं, उसको तो जेल वाले हॉस्पिटल में नहीं डालते, सिटी हॉस्पिटल तो बड़ी दूर की बात है, वो लड़न चले गए। मकसद ये है कि अगर आपने कोई चीज इस मुल्क में सेट करनी है और जो करने वाले हैं, जो प्लेइंग फील्ड देने वाले हैं, उनके लिए क्या इशू है? ठीक, अब ये कुरैश साहब ने कहा जी अदलिया, वो तो टूथलेस लोग हैं भाई, वो बेचारे क्या कर सकते हैं, करना है जिन्होंने उनकी बात करो। हाँ हमारे पॉलिटिशियंस देखें, नहीं अदालत तो इन अदालत क्या होगी जी, अगर सच बात पे लगती है तो 100 बार लगाएं। नाजरीन आपने देखा कि मोहसिन बेग साहब ने कहा इमरान खान को 9 मई और साइफर केस की सजा भुगतनी पड़ेगी। बंदा इनसे पूछे कि सब कुछ इमरान खान के खिलाफ ही क्यों हो रहा है, सारा कानून सिर्फ इमरान खान के वक्त ही क्यों हरकत में आता है? नाजरीन ये तो एक हकीकत है कि ये जितना मर्जी जोर लगा लें, जितना मर्जी इमरान खान को बंद कर लें, अगर इलेक्शन साफ और शफाफ हुए तो इमरान खान की जीत यकीनी है। आपका इस बारे में क्या कहना है, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।